के शिकंजे में आने वाले मसरूर मेमन सिंध हुकूमत के चहीते अफसर निकले। मसरूर मेमन को अहम ओहदों से नवाजा गया। वो डीएमसी कोरंगी में सबसे ज्यादा म्यूनिसिपल कमिश्नर रहे। बात करेंगे अली हफीज हमारे साथ हैं। अली हफीज, और कैसे कैसे नवाजा गया बताइए। जी बिल्कुल, बल्दियाती अहम तरीन ओहदों पे जो है वो बरजमान रहे मसरूर मेमन। 25 साल कैरियर के अंदर जो है सिंध सरकार, जाली सरकार के इंतहाई करीबी और चहीते अफसर के तौर पे जो है ये नुमाया रहे। अगर हम बात कर ले मसरूर मेमन की, सबसे ज्यादा इन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कुरंगी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची में जो है म्युनिसिपल कमिश्नर के ओहदे पर इन्होंने जो है वो इनकी पोस्टिंग रही। इसके अलावा जो है, और अगर हम बात कर लें आखिरी वक्त में जब रिटायरमेंट जो 1 साल पहले हुई इनकी, तो डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के अंदर डीएमसी कुरंगी में जो है ये डीएमसी किमाड़ी में भी जो तैनात थे। अगर हम बात करें तो बड़ी करप्शन जो है, जब ये डीएमसी कुरंगी में तैनात थे तो पेट्रोल की घपलों पर जो है इनकी इंक्वायरी लैब ने शुरू की थी। इंक्वायरी आगे बढ़ती गई तो अब सब कुछ जो है वो सामने आ चुका है। बड़ी रकम जो है घर से बरामद हुई है, अहम तरीन सोना, इसके अलावा अहम तरीन जो और चीजें भी जो है कीमती अशिया जो है, सोना कहने और दीगर कहने सामान, सब कुछ जो है, बड़ी प्रॉपर्टी जो है, सब कुछ सामने आ चुका है। किस तरह इन्होंने करप्शन की है, सब दूध का दूध जो है और पानी का पानी हो गया है। इंतहाई अहम तरीन सियासी शख्सियत का आशीर्वाद हासिल था। यही वजह थी कि जब भी हमेशा जो है पोस्टिंग पर रहे, म्युनिसिपल कमिश्नर अहम तरीन ओहदा होता है बल्दियाती इदारों में, डीएमसी में, हमेशा जो है उस पर बरजमा रहे। कोई ऐसा वक्त नहीं रहा जब ये म्युनिसिपल कमिश्नर नहीं रहे। अब देखना ये जो चीजें सामने आई है, तहकीकात आगे कहां तक जाती है, दौरान क्या करते रहे, ये सब कुछ सामने आ गया है। बहुत शुक्रिया अली हफीज आपका। हाफिजाबाद में डीपीओ ऑफिस के करीब जनरल स्टोर पर डकैती हुई है। डाकू कैश काउंटर से 8 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बात करेंगे, इम्तियाज ताज हमारे साथ हैं। इम्तियाज, फुटेज से क्या डिटेल्स सामने आ सकती है मजीद? जी बिल्कुल, आप समझ के इलाका गुजरा रोड पर डीपीओ ऑफिस के करीब 3 मुसलह डाकू ने जनरल स्टोर के मालिक और ग्राहकों को गन पॉइंट पर लूट लिया है। 3 मुसलह डाकू स्टोर में दाखिल हुए और लूट मार करते रहे। डाकू ने स्टोर के मालिक और ग्राहकों से लाखों रुपए नकदी, खाने पीने की अशिया, घड़ियां और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए हैं। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर यहाँ पर आ गई है, इसमें देखा जा सकता है कि मुसलह डाकू स्टोर में लूट मार कर रहे हैं। स्टोर मालिक और ग्राहकों के मुताबिक डाकू ने जो सामान और नकदी लूटी उसकी मालियत 8 लाख से ज्यादा बनती है। सीसीटीवी फुटेज में सवाल से आपने हमें आगाह किया। खानपुर डैम में कश्ती के हादसे में खातून टीचर जहां बहक हो गई। रावलपिंडी के निजी स्कूल के 24 तलबा जनरल स्टोर के मालिक और ग्राहकों को गन पॉइंट